जब महिला और पुरुष संबंध बनाते हैं, इस प्रोसेस में पहला पुरुष से लाखों स्पर्म्स रिलीज होकर अपने यात्र विजिना के तरफ जाते हैं। हमारे पूरे ही बॉडी में सबसे छोटा सेल है स्पर्म। इस स्पर्म के हेड में जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर किया जाता है। इस मिडिल पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को जीवित रखने के लिए और ट्रैवल करने की शक्ति देता है। इस टेल पार्ट हेल्प करता है स्पर्म को ट्रैवल करने के लिए। अभी श्री में हर एक मंथ एक एग रिलीज होता है। श्री के पूरे ही बॉडी में सबसे बड़ा सेल है इस एग। इस एग में श्री के जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के रूप में स्टोर किया जाता है। पुरुष की लाखों स्पर्म महिला की एक अंडे तक पहुंचने की कोशिश करता है। सो दोस्तों, इस जर्नी उतना सिंपल नहीं है। स्पर्म्स बहुत ही कठिन या समस्या को पार करके जाते हैं। आप ये जानकर आश्चर्य हो जाएंगे कि उन लाखों स्पर्म से केवल एक या दो स्पर्म्स ही महिला के अंडे तक पहुंच पाते हैं।